Hello guys. Welcome to Literary Sphere. So guys, आज की ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ फैक्ट्स के बारे में तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो भी एग्जाम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है तो आज एक वीडियो में इस चीज पर बना रही हूं अगर आप लोग डिमांड करोगे अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं और भी ऐसे आपके लिए लेकर आ सकती हूँ तो आप लोगों को ऐसे और चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बता देना तो आज की वीडियो जो है उसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जेफरी चोसर को बोला जाता है सेकेंड है फादर ऑफ

नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है विलियम टिंडल को फादर ऑफ एसे बोला जाते हैं मुंटेजन को देन हमारे पास है फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो कि फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो कि लिनले मुर्रे मुर्रे को बोला जाता है ठीक है जी नेक्स्ट है फादर ऑफ ट्रेजेडी फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्किल्स को बोला जाता है फादर ऑफ कॉमेडी एरिस्टोफेन्स फादर फादर ऑफ ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन को बोला जाता है इंप्रेशनिस्टिक स्टिक क्रिटिसिज्मी कॉलरेज को बोला जाता है देन है हमारे पास फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल तो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल बोला जाता है वॉल्टर स्कॉट को क्योंकि वॉल्टर स्कॉट ने हिस्टोरिकल नॉवल लिखने शुरू किए थे तो इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल बोला जाता है देन है फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी तो फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी बोला जाता है एडगर एलिन पो को देन है फादर ऑफ पिकारिस्क नॉवल जो कि थॉमस नेश को बोला नेश को बोला जाता है देन है फादर ऑफ मॉडर्न बायोग्राफी जो कि ल्योटन स्ट्रेचे को बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री जो कि क्रिस्टोफर मार्लो को बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म जो कि जीन जैक्स रूसो को बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म जो कि रॉबर्ट ओवेन को बोला जाता है नेक्स्ट है फादर ऑफ अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म जो कि बोला जाता है आर डब्ल्यू एमरसन को ठीक है जी फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म जो कि बोला जाता है आर डब्ल्यू एमरसन को नेक्स्ट है फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन जो फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल है वो बोला जाता है जोसेफ को नेक्स्ट है फादर ऑफ बंगाली फिक्शन जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है जेफरी जोसर को लास्ट पॉइंट है आज का हमारा ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न डिटेक्ट फिक्शन जो की बोला जाता है विल्की कॉलिंग को ठीक है जी ये ऐसे पॉइंट है हमारे पास जो कि अगर इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हर एक पर्सन को पता होना चाहिए जो भी इंग्लिश लिटरेचर रीड करता है या फिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का शौक रखता है सो so गाइज आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी अगर इस आ, ऐसे फैक्ट्स आपको और भी चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट करना मैं आपके लिए और वीडियो जरूर लेकर आऊंगी ऐसे फैक्ट्स के ऊपर तो आज की वीडियो में बस इतना ही है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गाइज इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फोर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड तो अगर आपको यू नो असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल की जितनी भी जॉब्स हैं, स्कूल जॉब्स हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल सकती हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच